कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख सचिव चिकित्सा ने 2025 तक टीबी रोग के मुक्ति अभियान तथा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान कार्यक्रम की समीक्षा बैठक किया। बैठक में सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी के साथ जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी शामिल रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख सचिव चिकित्सा ने अभियान को सुचारू रूप से चलाने के दिशा निर्देश दिए। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है, शासन से भी निर्देश गए हैं, सेक्रेटरी मैडम ने कुछ महीने पहले एक लेटर लिखा था कि सभी अपर निदेशक अपने मंडल के में जितने भी जिले आते हैं उनकी हर माह एक बैठक लेंगे। तो हर महीने हुआ, एक चित्रकूट धाम मंडल की थी और दूसरे बस्ती मंडल की थी। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि हर महीने सभी एडीज अपने मंडल के सारे जनपदों की आरएटीसीपी प्रोग्राम की रिव्यू बैठक करें, जिसमें ही ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और उसकी रिपोर्ट जो हमने स्टेट पे एनालाइज करी है। तो कुछ जनपद ऐसे हैं जिसमें पिछले कई महीनों से डीआरटीपी सेंटर में कोई पेशेंट ही एडमिट नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अमेठी, अमेठी, औरैया, बलिया, हरदासगढ़, शामली, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, संभल और उन्ना, नौ सीमा सा बताएंगे ना ये, और उसमें तय किया गया है, चिकित्सकों से भी बातचीत हुई है और उसको चलाने के लिए सर इसके लिए अलग से नहीं। सर मैं सॉरी, क्वेश्चन है जो आपके लिए पास आन किए गए, पूर्व में जगह भी चिन्हित की गई थी। सीएमएस साहब के मिनिस्टर से मुझे बताया गया कि कुछ यहाँ पे कुछ हुआ कि उसको किसी और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कि अगर आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो आपकी हैंडलिंग होना ऐसा डन है। आप सब लोग जानते हैं पिछले एक साल से राम जी कह रहे हैं कि 2025 तक